नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट दिथालोक में। मैं वीके शुक्ला आप सभी सम्मानित सदस्यों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरओ एआरओ की जो भर्ती परीक्षा 2016 में आयोग द्वारा आयोजित की गई थी वह किसी कारणवश रद्द कर दी गई है और पुनः आयोग उन सभी अभ्यर्थियों को एक बार फिर से मौका देने जा रहा है मई 2020 में, जिन्होंने उस परीक्षा में सहभागिता दर्ज की थी। यह एक बहुत ही सुनहरा मौका उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने इस परीक्षा को 2016 में दे चुके हैं। क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म फिर से डाले नहीं जा रहे हैं तो अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ेगी नहीं, उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ जिनके साथ आपने 2016 में कॉम्पीट किया था उन्हीं अभ्यर्थियों के साथ आपको 2020 में फिर से कॉम्पीट करने का मौका दिया जा रहा है। तो सुनहरा मौका है आरओ एआरओ बनने का। आयोग के द्वारा परीक्षा मई के फर्स्ट वीक में आयोजित होने जा रही है, जिसके संबंध में हमारी संस्था की तरफ से एक क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उन्हीं पाठ्यक्रम के उन्हीं हिस्सों के साथ ले आएंगे जहां से परीक्षा में सर्वाधिक प्रश्नों को पूछे जाने का जो है वो आयोग का जोर रहता है। ठीक है, तो हाँ, जुड़िए हमारे साथ, हमारे बैचेस के साथ और अपनी सफलता की इबारत लिखिए। आइए उस क्रम में हम आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर एक नंबर दिख रहा है, यह हमारी संस्थान का व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको एंट्री आरओ या ऑब्लिक एआरओ लिखकर 8736093317 पर व्हाट्सएप करना है और इसके बाद जो भी प्रवेश की जो प्रक्रिया है, जो फॉर्मेलिटीज हैं, वो आपको बताई जाएंगी और उस प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित कर आप अपने सफलता की जो सीमाएं हैं उस सीमा को सुनिश्चित करिए, अपनी सफलता को अर्जित करने की तरफ एक सार्थक कदम आगे बढ़ाइए। टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आपके साथ है। तो आइए उसी क्रम में हम आपके साथ चलते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान जीएस का एक महत्वपूर्ण अंग है, एक महत्वपूर्ण पाठ है। उसी पाठ्यक्रम के अनुरूप, जिस पाठ्यक्रम से आपका सिलेबस जुड़ा हुआ है, उसी क्रम में हम यह देखते हैं कि संविधान का जो विकास हुआ है, अर्थात क्रमिक विकास की बात हम करते हैं, भारतीय संविधान का जो डेवलपमेंट हुआ है जिसे हम संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं, तो उस संवैधानिक विकास को हम देखेंगे कि कैसे भारत के संविधान का संवैधानिक विकास हुआ है, कैसे क्रमवार तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से हमारे संविधान का डेवलपमेंट हुआ है। तो यदि संविधान के डेवलपमेंट की बात करते हैं दोस्तों, तो उस डेवलपमेंट को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। क्योंकि आप जानते थे कि अंग्रेज जब भारत में आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन व्यापार करने के साथ साथ उन्होंने धीरे 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 क्या किया, अपनी जड़ों को मजबूत करते चले गए और व्यापारिक जो संस्था के रूप में कंपनी आई थी वह धीरे धीरे भारत में प्रशासनिक स्तर पर कार्य करने लगी और भारत में अपनी जड़ों को मजबूत करती चली गई। तो यहां पर यदि भारत के संवैधानिक विकास की बात करें तो इसे दो हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो बांट सकते हैं हम कंपनी के अधीन कब से लेकर कब तक का काल रहा है, तो 1773 से लेकर 1853 तक का जो समय था वह कंपनी के अधीन जो हमारी व्यवस्थाएं थी वहां पर हमारा संवैधानिक डेवलपमेंट हुआ है। उसके बाद सन 1857 में क्रांति होती है भारत में, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है और उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की जो नींव भारत में जम रही थी उस नींव को उन्होंने हिलाकर रख दिया था।
इस सैनिक विद्रोह ने, इस भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ने। कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इस बात पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसी क्या कमियां व्याप्त हैं कंपनी के अधीन शासन व्यवस्था में जो इतना बड़ा विद्रोह उत्पन्न हुआ है। जब उन्होंने उस विद्रोह के कारण के पीछे गए तो उन्हें पता चला कि कंपनी में तमाम प्रकार की कुरीतियां व्याप्त हो चुकी हैं, जैसे भ्रष्टाचार, उपहार लेना, कुप्रशासन, ये तमाम प्रकार की कमियां जो है वह कंपनी के अधीन आ चुकी थी। और इन्हीं कुप्रशासन के कारण ही लोगों में असंतोष व्याप्त हो चुका था। और उसी असंतोष के कारण मेरठ की एक बैरकपुर छावनी से एक सिपाही मंगल पांडे के द्वारा बजाया गया बिगुल धीरे धीरे करते हुए संपूर्ण भारत में फैल गया। वो बात अलग है कि उस आंदोलन को सफलतापूर्वक तरीके से अंग्रेजों ने विद इन वन ईयर दबा दिया। यहां पर देखिए, जब इस विद्रोह को समाप्त कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, तो यहां से शासन व्यवस्था कंपनी के अधीन से शासन व्यवस्थाएं ले ली जाती हैं। कंपनी को मात्र एक व्यापारिक संस्था के रूप में दिया जाता है, कंपनी से शासन व्यवस्था ले ली जाती है और यहां से शासन व्यवस्था ट्रांसफर हो जाता है क्राउन को। तो क्राउन के अधीन (1858 से 1947) तक का जो काल रहता है वह क्राउन के अधीन हमारा संविधान डेवलप हो रहा है। हमारे संविधान का जो डेवलपमेंट अब हो रहा है दोस्तों, वह हो जा रहा है किसके अधीन? क्राउन के अधीन। तो क्राउन के अधीन जो हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट को हम देखेंगे। ठीक, तो आइए इसको शुरू करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम और समझते हैं। तो संवैधानिक डेवलपमेंट हमारा 1773 से 1853 तक कंपनी के अधीन हुआ है और फिर 1858 से 1947 तक जो हमारा संवैधानिक विकास हुआ है वह संवैधानिक विकास क्राउन के अधीन हुआ है। ठीक है, आइए इसको शुरू करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो व्यापार करने के लिए अंग्रेज भारत आए थे। सन 1599, स्थान लंदन। 1599 में लंदन में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक एक व्यापारिक संस्था होती है। क्या नाम था उस संस्था का? मर्चेंट एडवेंचर। यह एक व्यापारिक संस्था थी, कहां की? ब्रिटेन की। और इस व्यापारिक संस्था को 31 दिसंबर 1600 के राजलेख के द्वारा जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था में को भारत में व्यापार करने का लाइसेंस प्रदान कर दिया कि आप क्या करेंगे? भारत में व्यापार करेंगे। अर्थात एक व्यापारी के एकाधिकार के रूप में मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। यहां पर लाइसेंस किस कंपनी को दिया गया है? मर्चेंट एडवेंचर्स को। अर्थात इसके अलावा दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती है, दूसरी संस्था भारत में व्यापार नहीं कर सकती है। व्यापारिक एकाधिकार था मर्चेंट एडवेंचर्स को। भारत की खोज हो चुकी थी, भारत के बारे में यह पता चल चुका था कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर अपार धन संपदा है और उस अपार धन संपदा को प्राप्त करने के उद्देश्य से अंग्रेज भारत आते हैं व्यापार करने के लिए। मर्चेंट एडवेंचर्स नामक व्यापारिक संस्था आती है। इसके बाद वो व्यापार करने लगते हैं और व्यापार करते करते बहुत समय तक, फिर उसके बाद आता है 1726 का राजलेख। 1726
26 का राजलेख। इस 1726 के राजलेख के द्वारा क्या होता है, 1726 के राजलेख में तक तीन प्रेसिडेंसियां बन चुकी थी, कलकत्ता, मद्रास और बंबई। ये तीन प्रेसिडेंसीज का गठन हो चुका था 1726 के राजलेख के आते आते, और इन तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर्स भी नियुक्त कर दिए गए थे, गवर्नर। और इन गवर्नर को यह अधिकार दे दिया गया था कि वो अपने क्षेत्र के लिए विधि का निर्माण कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, उससे पहले एक घटना घटती है सन 1715 में। कौन सी घटना है, महत्वपूर्ण घटना थी। एक शिष्टमंडल भारत आता है लॉर्ड मुनरो के नेतृत्व में, जिसमें एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर हैमिल्टन। उस समय भारत में फर्रुखशियर का शासन था, फर्रुखशियर उस समय एक चर्म रोग से पीड़ित था, सही नहीं हो रहा था, बीमार चल रहा था। फर्रुखशियर के उस बीमारी को डॉक्टर हैमिल्टन ठीक कर देते हैं, नतीजा फर्रुखशियर खुश हो जाता है। फर्रुखशियर जब यहां खुश होता है तो फर्रुखशियर ने पूरे बंगाल में कर मुक्त व्यापार करने की आजादी दे दी अंग्रेजों को। उन्होंने कहा पूरे बंगाल में, बंगाल मीन्स कलकत्ता, और उस समय का बंगाल बहुत बड़ा था, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये सारे तमाम जो है उस तरफ के राज्य जो थे वो सभी बंगाल प्रेसिडेंसीज के अंतर्गत आते थे। जब उन्होंने पूरे बंगाल में क्या दे दिया, आजादी दे दी, कर मुक्त व्यापार। अंग्रेज क्या करेंगे, जो अंग्रेजों का सामान आ रहा है उस पर टैक्स आप मत लगाइए, टैक्स मत लगाइए, बिना टैक्स के बेची, मीन्स अपने जो आपका वास्तविक मूल्य है। तो आप जानते हैं जब किसी वस्तु पर टैक्स हटा दीजिए तो वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, घट जाती है, और जब कीमत घट जाती है वस्तु की तो उसकी क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है, मांग उसकी बढ़ जाती है, और जब मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो राजस्व का कलेक्शन भी होगा, यानी पैसा आएगा। परिणाम क्या निकलता है यहां पर, परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों का जो सामान था वह करमुक्त होने के कारण सस्ते दामों पर बिकने लगा, जिसके कारण उनको टैक्स का कलेक्शन, उनको रेवेन्यू बहुत अधिक प्राप्त होने लगा, और उनके जो इंग्लैंड में स्थित उद्योग थे वह फलने फूलने लगे, और भारतीय जो उद्योग थे उस समय के, भारत में जो वस्तुएं निर्मित की जा रही थी उस समय, उन पर टैक्स लगा हुआ था, तो वो सामान क्या था, महंगा था। और जब सामान महंगा होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, तो वो व्यापार ही क्या हो जाएगा, वो फैक्ट्री ही बंद हो जाएगी दोस्तों, जहां पर उस सामान का उत्पादन हो रहा है। निर्णय कहने का अर्थ यह है कि परिणाम क्या निकला, परिणाम यह निकला कि अंग्रेजों ने अपनी व्यापारिक एकाधिकार या व्यापारिक जड़ को भारत में मजबूत कर लिया। फर्रुखशियर इस निर्णय को, फर्रुखशियर समझ नहीं पाया, और आने वाली पीढ़ियों को उसकी कीमत अदा करनी पड़ी। फिलहाल 1726 का राजलेख आता है, तीन प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी, बंगाल या कलकत्ता, मद्रास, बंबई, तीनों प्रेसिडेंसीज में एक एक गवर्नर्स अपॉइंट कर दिए गए थे, और उन गवर्नर्स को अपने अपने रिस्पेक्टेड एरियाज में क्या था, कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इसके बाद जो हमारा क्रमिक विकास, जिसे हम बात करते हैं, तो क्रमिक विकास भी सिस्टमैटिक तरीके से जो डेवलपमेंट हुआ है वह आता है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। आइए उस एक्ट के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मींस जहां से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो जो प्रश्न बन सकते हैं, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग
रेगुलेटिंग एक्ट, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1726 तक तीनों प्रेसिडेंसीज बन चुकी थी, तीनों के गवर्नर्स हो चुके थे। अब आइए देखते हैं क्या और डेवलपमेंट हुआ। तो जो कंपनी थी तब तक वो मर्चेंट एडवेंचर्स व्यापारिक कंपनी जो इंग्लैंड से आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, उसका स्वरूप बदल चुका था। वो किस नाम से जाने जाने लगी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मींस कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने का यह पहला प्रयास था। पहला प्रयास, इससे पहले जो है किसी भी प्रकार से कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी कंट्रोल किया जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने तरीके से व्यापार करती थी, अपने तरीके से चीजों को रेगुलेट करती थी, कोई उसके संबंध में नियम कायदे कानून नहीं थे। तो कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए या अपने आप में पहला प्रयास था। और जो तीनों प्रेसिडेंसीज थी, बंगाल, मद्रास और बंबई, तो यहां पर उन्होंने क्या किया, जो बंगाल का गवर्नर था, बंगाल के जो गवर्नर थे उनके अधीन, गवर्नर के अधीन दोनों प्रेसिडेंसीज को कर दिया। कौन कौन सी दो प्रेसिडेंसीज बन रही हैं, बच रही हैं? मद्रास और बंबई। तो मद्रास और बंबई के जो गवर्नर थे उन्हें किसके अधीन कर दिया जा रहा है? उन्हें कर दिया जा रहा है बंगाल के गवर्नर के अधीन। अर्थात मद्रास और बंबई के गवर्नर अब अपने कार्यों के संबंध में रिपोर्ट किसे करेंगे, सूचना किसे देंगे? वह बंगाल के गवर्नर को सूचना देंगे। ठीक, एक काम यह किया गया कि बंगाल के गवर्नर, तो यहां पर क्या है, बंगाल के गवर्नर के अधीन जब कर दे रहे हैं तो गवर्नर की शक्ति क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। भाई यदि आपके अधीन किसी को कर दिया जाए तो आपकी शक्ति ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। तो उन्होंने कहा जब शक्ति को बढ़ा रहे हैं आप तो इसके नाम को भी बढ़ा दीजिए, बदल दीजिए। तो बंगाल के गवर्नर को क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया इसी एक्ट के द्वारा, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया, नाम दे दिया गया बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया। और पहले गवर्नर जनरल कौन बन रहे हैं यहां पर? वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय, वॉरेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स महोदय को पहला गवर्नर जनरल भारत का बनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ, सबसे महत्वपूर्ण कार्य, वह था एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कहां की जा रही है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना? कलकत्ता में, कलकत्ता में, कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान इस एक्ट में किया गया। हालांकि वो अपने आप में सर्वोच्च नहीं था, अपितु उसके आदेश के विरुद्ध अपील कहां होती थी? इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल में होती थी। ठीक, तो एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब हुई? 1774 में। यह ध्यान देने वाली बात है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है
कि ऑप्शन रहता है कि किस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ऑप्शन 1773, 1774, तो 1774 आप लगा देते हैं, वो गलत है आंसर। एक्ट कौन सा था? एक्ट था 1773 का, जिसमें प्रावधान किया गया, और स्थापना कब होती है? सन 1774 में। तो यदि स्थापना का वर्ष पूछा जाए तब हमें 1774 लगाना है, और यदि एक्ट पूछा जाए तो 1773 का। इसमें कितने न्यायाधीश थे? एक मुख्य न्यायाधीश, प्लस तीन अन्य न्यायाधीश, यानी एक मुख्य न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस समय? सर एलिजा एम्पे। ये याद रखिएगा आप लोग, पूछा गया प्रश्न है कि सन 1774 में जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन नियुक्त किया गया था? तो सर एलिजा एम्पे नियुक्त किए गए थे, और इनके साथ तीन अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया था इस न्यायालय में। ठीक है, फिर कंपनी के संबंध में, यानी कंपनी को नियंत्रित करने के संबंध में या अपने आप में कोई पहला लिखित दस्तावेज था? पहला यह लिखित दस्तावेज था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है दोस्तों, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन पर हम लोगों ने चर्चा की। ठीक, आइए अब इसके आगे हम देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1773 का जो एक्ट था उससे शासन कितने तक चला? 1784 में आ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट, उस समय तक कंपनी में कई कुरीतियां आने लगी थी, भ्रष्टाचार, इस तरह की कुरीतियां आने लगी। उस कुरीति से क्या है, अंग्रेजों की साख गिर रही थी, उनकी क्रेडिट खराब हो रही थी। तो इस एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की गिरती हुई साख को बचाने का प्रयास किया गया, साख को बचाने का प्रयास किया गया, साख को बचाया गया, प्रयास किया गया। कैसे प्रयास किया गया? कंपनी को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 6 सदस्य थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दो हो गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे ये कंपलसरी कहां से थे? ब्रिटिश क्राउन द्वारा अपॉइंट किए जाते थे, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे? जो कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स थे, कंपनी के फाउंडिंग मेंबर्स जो थे, संस्थापित जो सदस्य करने वाले थे उनको रखा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो दो नई संस्थाएं उत्पन्न हो रही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे वह कंपल्सरली उन्होंने कहा कि इसकी नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की जाएगी। और ब्रिटिश क्राउन जो 6 सदस्य नियुक्त कर रही है, इन्हीं 6 सदस्यों के आदेशानुसार
कंपनी को चलाया जाता था। ठीक, इन्हीं के अनुसार कंपनी को चलाना प्रारंभ किया गया। जैसा ये कहते थे उसी तरीके से कंपनी को क्या किया जा रहा है, रेगुलेट करना शुरू कर दिया गया। ठीक है, उसी के अनुसार इन्होंने कंपनी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसका, वह यह है कि जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, मीन्स जो कंपनी के अधीन क्षेत्र था, कंपनी के अधीन क्षेत्र को, कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा। कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र भी कहा जाना प्रारंभ कर दिया गया इसी एक्ट के द्वारा। क्लियर है? तो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है। इसके बाद आता है हमारा 1813 का चार्टर एक्ट, महत्वपूर्ण है 1813 का चार्टर एक्ट। तो जो कंपनी काम कर रही थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो चूंकि कैसी कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी, साख को बचाने का प्रयास वो कर रहे थे परंतु उससे साख बच नहीं पा रही है, वो कुरीतियां व्याप्त है अभी भी, शासन को नियंत्रित कर रहे हैं 1773 के द्वारा, 84 के द्वारा साख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं पर बच नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बोले कंपनी का जो व्यापारी के एकाधिकार है वही खत्म कर दो। तो इस एक्ट के द्वारा पहला काम क्या किया गया दोस्तों, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, पूरी तरीके से नहीं, एक अपवाद रख के इन्होंने, क्या अपवाद रखा, इन्होंने कहा जो चाय और चीन के साथ व्यापार है, चाय और चीन मीन्स चाय का व्यापार और चीन के साथ जो व्यापार कंपनी का चल रहा था, उस व्यापारी के एकाधिकार को कंपनी के हाथों में ही सुरक्षित रहने दिया, बाकी के जो व्यापारी के एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। तो व्यापारी के एकाधिकार समाप्त करने का अर्थ क्या हो रहा है, व्यापारी के एकाधिकार को समाप्त करने का अर्थ यह है कि कंपनी का जो अभी तक एकाधिकार था वो कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया, और जो ब्रिटेन की अन्य व्यापारिक संस्थाएं थी वह अभी अब क्या करेंगी, भारत में आकर व्यापार कर सकती हैं। कंपनी की मोनोपोली खत्म हो गई, अन्य व्यापारियों के लिए भी भारत के रास्ते खोल दिए गए कि आप व्यापार करना चाहें तो आप जाकर भारत में व्यापार कर सकते हैं। लेकिन दो व्यापार पर प्रतिबंध था, चाय के साथ व्यापार केवल कंपनी करेगी और चीन के साथ जो व्यापारिक व्यवस्था थी वह कंपनी रेगुलेट कर रही है। यहां पर उन्होंने क्या किया, कंपनी के व्यवहारिक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का राजस्व नियंत्रण 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। बीस साल के लिए बढ़ा देते हैं कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा शासन व्यवस्थाएं 20 वर्षों तक कंटिन्यू आगे चलती रहेंगी। इसी एक्ट के द्वारा इन्होंने क्या किया, जो ईसाई मिशनरीज थी, ईसाई मिशनरियों को भारत आकर अपने धर्म के प्रचार की अनुमति दे दी गई। अनुमति मीन्स ईसाई मिशनरियों को भारत आकर व्यापार करने की जो है वह अनुमति इसी एक्ट के द्वारा दे दी गई। मीन्स अब भारत में ईसाई धर्म भी
प्रचार कर सकता था। ठीक, एक और जो महत्वपूर्ण शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1,00,000 रुपए खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अब शिक्षा पर सालाना 1,00,000 रुपए खर्च होगा। हमारे लिए नहीं व्यवस्था कर रहे थे, वो अपने लिए कर रहे थे, क्योंकि कंपनी थी, शासन व्यवस्थाएं करनी थी, वहां से कर्मचारी मंगाते थे, महंगे पड़ते थे, बोले इन्हीं को पढ़ाओ, इन्हीं से शासन व्यवस्थाएं कराओ। तो 1,00,000 रुपए हमारे लिए नहीं खर्च कर रहे थे अंग्रेज, अपने लिए व्यवस्था कर रहे थे। ठीक है, तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि किस अधिनियम के द्वारा शिक्षा पर पहली बार कोई बजट प्रस्ताव किया गया था, तो वो था 1813 का चार्टर एक्ट, जिसके द्वारा इन्होंने क्या किया, शिक्षा पर सालाना 1,00,000 रुपए तक जो है वह खर्च करने का प्रावधान कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने जो कंपनी के अधीन जो भारत के संवैधानिक विकास की यात्रा प्रारंभ की, उसका हमने क्रमिक विकास देख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, क्रमिक विकास में आगे के जो 1833 और उसके चार्टर एक्ट है वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। और चलने से पहले आपसे एक जरूरी बात कि संस्था के द्वारा जो आरओ एआरओ का बैच चलाया जा रहा है, उसके संबंध में आपको एंट्री आरओ एआरओ लिखकर इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, और आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करने के बाद आप अपनी प्रवेश प्रक्रिया को सुनिश्चित करा सकते हैं। नमस्कार।